घाटे से जूझ रही टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्रीपेड ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सभी ने अपने प्रीपेड उत्पादों और सेवाओं के लिए टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इससे ग्राहकों के मोबाइल बिल में 50% तक के बढ़त हो सकती है। तो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में ने अपने टैरिफ में 15% से 40% की बढ़त की घोषणा कर दी है। ये बढ़त 3 दिसंबर से लागू होगी। तो जियो ने भी अपनी नई शुल्क दर योजना में 40% तक की वृद्धि घोषणा की। रिलायंस जियो ने एक बयान में कहा है कि उसका नया प्लान ऑल इन वन 6 दिसंबर से लागू होगा। तो 5 साल के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ में भारी बढ़ोतरी की है, तो एक बड़ा झटका देखिए मेरा व्यू है, बड़ा क्लियर सा व्यू हमारा है, क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ गई हर चीज़ एकदम चीपेस्ट लेने की, समझ रहे ना। हमको ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें आ रही हैं वो सस्टेनेबल है कि नहीं, पता नहीं वो सस्टेन भी कर पाएंगे कि नहीं कंपनी। हमको दोनों चीज़ देखनी है, केवल एक ही चीज़ को हमेशा नहीं देखना होता है। जस्ट सी इट डिपेंड्स इफ सम पर्सन कैन अफोर्ड इट। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी की इनकम हाई है, तो दे डोंट लाइक, इट डजंट मैटर टू देम। बट इफ़ पीपल लाइक जिनका इनकम मिड लेवल का होता है, इट्स लाइक बिटवीन 20-25 or 30, तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज सम वे वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मोबाइल राइट नाउ। अगर हम लोग नेट भी यूज़ करते हैं, उसमें जितने भी हमारी चीज़ें होती है, ऑफिशियल वर्क होता है, वी डू इट फ्रॉम द नेट ओनली। सो फॉर दैट आई थिंक सम वे इज गोइंग टू अफेक्ट अस। पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे कॉल चार्जेस और लोग बहुत कम फ़ोन यूज़ कर पाते थे, और जब से कंपटीशन में आने के कारण कंपनियों ने रेट कम किए हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। आप देखिए कि बहुत लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड का आदमी बड़े आराम से फ़ोन यूज़ कर रहा है और अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहा है। रिक्शा वाला भी फ़ोन यूज़ करता है, और मैं देख के हैरान हुआ कि रिक्शे वाला भी पेटीएम जैसे वॉलेट यूज़ कर रहा है। आज वो छोटे बिजनेसमैन जिनकी अपनी कोई परमानेंट दुकान नहीं है, वो भी फ़ोन के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, जैसे कारपेंटर हुआ या कोई इलेक्ट्रीशियन है। लेकिन अगर फ़ोन कॉल के रेट फिर से आसमान छूने लगेंगे तो लोगों को बहुत दिक्कत आएगी।